चीजें मंगाई है। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आया है अपना, मैं अगर ऐसे हेलमेट को हिलाऊं तो आप देख सकते हो स्टेबिलिटी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि मैंने आज से लेके 4 महीने पहले माय मोस्ट अफोर्डेबल फोन मोटो व्लॉगिंग सेटअप पर वीडियो डाली थी, जिस पर अभी देखा जाए तो अराउंड 90,000 व्यूज हो गए और बहुत ही यूजफुल वीडियो रही है बहुत से लोगों के लिए। बट मैं स्टार्टिंग कर रहा था तब मोटो व्लॉगिंग की और मैंने तब एक्शन कैमरा परचेस नहीं करा था। बट अभी जो आप देख रहे हो सामने, मेरी वीडियो शूट हो रही है GoPro Hero 9 से, जो कि मतलब वो मैंने वीडियो डाली थी फ़ोन मोटो व्लॉगिंग सेटअप की एंड उसी के बाद मैंने एक्शन कैमरा खरीद लिया था। एंड मैं फ़ोन मोटो व्लॉगिंग सेटअप में शूट करता था, मेरे S10 से। सो बहुत से इश्यूज मुझे आए थे बट मैंने वो वीडियो शेयर करी थी। आज उसका भी अपग्रेडेड वर्जन होने वाला है, बिकॉज आज मैंने ये मंगाया है जो कि एक्शन प्रो का चेन माउंट एंड मोबाइल होल्डर। और आप देख सकते हो ये टेलीसिन का चेन माउंट है। इससे क्या डिफरेंस है और नए जो भी मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। सो चैनल पर कोई भी नया हो तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट वीडियो। जो ये एक्शन प्रो का चेन माउंट है इसे अनबॉक्स कर लेते हैं सबसे पहले। तो कुछ इस टाइप की पैकेजिंग आई थी, इसे अमेजोन से मंगाया है। एज यूजुअल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। सो देखो एक्शन प्रो की दोनों चीज़ें आप देख सकते हो, दो चीज़ें मंगाई है। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आया है अपना सेल्फी स्टिक वाला फ़ोन होल्डर एंड इसी के साथ आपको एक ये स्क्रू मिल जाता है। एंड दूसरे इसमें देखेंगे आपको अपना मेन चिन माउंट मिलता है एंड साथ में इस टाइप का होल्डर मिल जाता है। सो गाइस सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें तो अराउंड 798 रुपीज़ का है, मतलब 800 रुपीज़। वीडियो बनाने के पीछे सबसे मेन मोटिव क्या है कि देखो मेरा जो टेलीसिन का चिन माउंट मैंने मंगाया था, इसमें इशू ये आया था कि मुझे चिन माउंट मंगाना पड़ा था, देन उसके बाद फ़ोन होल्डर जोड़ने के लिए एक सक्शन कप का माउंट मंगाना पड़ा था। आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको अभी आई बटन पर मिल जाएगी। बट इसमें खास चीज़ ये है कि आपको किसी भी चीज़ में कुछ हेडेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। ये माउंट आता है इसमें, सबसे पहले हम इसे लगा लेंगे। तो गाइस कुछ इस टाइप से इसमें लग जाता है और मतलब ऐसा है कि आप इसे एक बार इन्वेस्ट कर दोगे ना तो इन फ्यूचर आप एक्शन कैम, कौन सा भी SJ कैम या GoPro लेते हो तो उसमें भी पूरा यूजफुल होने वाला है। और अब ये जो मंगा है ये अराउंड साथ में 800 रुपीज़ में इंक्लूडेड है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये अगर आप होल्डर मंगाओगे तो ये तो आपको 100 रुपये का मिल जाएगा ऑनलाइन। बट मेन जो आप ये नीचे का अमाउंट देख सकते हो ना, जिसके लिए आपको स्पेशली सक्शन कप मंगवाना पड़ता है सिर्फ ये एक चीज़ के लिए, वो आपको एक्शन प्रो इंक्लूडेड दे रहा है, वो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी। तो इसे आप सिंपली इसमें लगा लेंगे, स्क्रू को सिंपली इसमें फिट करना है। सारी फिटमेंट हो गई है, सिर्फ 2 मिनट का काम था एंड यू आर रेडी फॉर योर मोटो व्लॉगिंग। सो अब देखो मैंने तो मेरे हेलमेट में पहले ही माउंट लगा कर रखा है जिसमें मेरा पूरा सेटअप है, माइक से लेकर सारी चीज़ें। मैं सिंपली अपना GoPro प्लेस करता हूँ और मोटो व्लॉगिंग करता हूँ। बट अभी आप देख सकते हो हम इस हेलमेट पर लगाने वाले, बेसिकली ये SMK कंपनी का हेलमेट है, बहुत ही प्रीमियम हेलमेट्स आते हैं जिसकी प्राइस रेंज अभी इसकी अराउंड है 4,600 रुपीज़। इसका एक डिटेल वीडियो भैया के चैनल पर डला हुआ है YesDX, तो आप उस पर एक बार चेकआउट कर सकते हो। सो अब देखो हम इसमें लगाने वाले हैं। तो हेलमेट में आपको क्या करना है, ये स्ट्रैप्स मिलते हैं। सिंपली आपको जो ये स्ट्रैप है ना गाइस, उसको इसमें डालना है और इसमें लॉक का ऑप्शन दिया है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। और इसमें नॉर्मल पहले आप डाल के लॉक कर लो, देन उसके बाद आपका जो चिन माउंट है इसे एडजस्ट कर लो एंड इसके बाद अब इसको एक बार टाइट कर लेते हैं दोनों साइड से। माउंट की फिटमेंट सारी हो गई है एंड आपने देखा सिर्फ 2 मिनट का काम था कितनी प्रॉपर फिटमेंट हो चुकी है। तो जो भी कोई बिगनिंग मोटो ब्लॉगर्स है उनके लिए ये एसेसरी बहुत ही यूजफुल होने वाली है। मतलब सिर्फ 800 रुपीज़ में आप आपकी मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो, जहां आपको बेसिक एक्शन कैम के लिए भी 8,000 से 10,000 रुपये बिगाड़ना पड़ेंगे। तो मेरा ये कहना नहीं है कि आप एक्शन कैम मत लो, जैसा कि मुझे भी पहले से ही GoPro लेना था, पर मैंने सोचा था यार 40,000-50,000 रुपये का हीरो 9 लूंगा देन उसके बाद हेलमेट पर लगा के मुझे कुछ बोलना ही नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ फिर अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैंने फ़ोन मोटो व्लॉगिंग सेटअप बनाया। वैसे भी मेरे पास S10 फ़ोन था जिसमें वाइड एंगल था, क्वालिटी अच्छी थी, तो उससे मुझे प्रैक्टिस हो गई कैसे क्या बोलना है। तो मैं भी आपको यही बोलूँगा, कोई स्टार्ट करना चाहता है तो पहले एक दो बार प्रैक्टिस करिए, फ़ोन मोटो व्लॉगिंग से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जिसके फ़ोन में वाइड एंगल नहीं है वो वाइड एंगल लेंस मंगा सकते हैं, 300-400 रुपये का आएगा, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
सब रही बात कि इसमें माइक की बहुत इशू आता है कि यार माइक कैसे, मेरा क्या माइक का जुगाड़ है, उसकी लिंक आपको भी आई बटन पर दिख रही होगी, मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, बट मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे क्या माइक लगाना है। तो देखो इसकी पूरी प्रॉपर फिटमेंट हो गई, आप देख सकते हो, एंड 80, 100, 120 भी आप स्पीड चला रहे हो गाड़ी की तो बिल्कुल भी गिरने जैसी कोई भी इशू नहीं आने वाला। आपको इसमें फ़ोन को प्लेस करना है, तो मैंने फ़ोन को लगा लिया इसमें एंड मैं स्क्रू को टाइट कर लूँगा। दिक्कत गाइज ये आती है कि देखो अभी आपको 2-4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी कि एंगल कैसा आ रहा है, जैसे कि अभी समझो हेलमेट का कैमरा थोड़ा ऊपर है तो ऐसा ना हो कि आपका बाइक का हैंडल बार कट रहा है या स्कूटी का हैंडल बार कट रहा है, तो आपको वो थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप फिर कुछ इस टाइप से भी कर सकते हैं, फ़ोन को यहाँ पर इस टाइप से लगा के, और अभी हम चलाने नहीं जा रहे हैं गाड़ी, हालांकि इससे व्यू बहुत ही अच्छा आने वाला है। फोन टू फोन डिपेंड करता है, जिसके भी अच्छे आईफोन से या वाइड एंगल वाले फोन से तो ऑब्वियसली क्लिप अच्छी आने वाली है, जिसमें लीनियर मोड पे आप लेते हो तो कोई इतना प्रॉपर व्यू नहीं मिलने वाला, पर वाइड एंगल तो चाहिए अगर आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो। तो ये सारी बेसिक बातें हो गई, अब इसमें आता है कि माइक कौन सा यूज़ करें। तो गाइस देखो जैसा कि फ़ोन मोटो व्लॉगिंग सेटअप है और आपने थंबनेल में भी पढ़ा होगा मोस्ट अफोर्डेबल चीपेस्ट फोन मोटो व्लॉगिंग सेटअप, तो आपका जो भी हेडफोन है आप वही सिंपली यूज़ कर सकते हो। एंड मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करते टाइम एक और चीज़ ज़रूरी है, हेलमेट के बिना तो वैसे भी नहीं होने वाली, तो बेसिक आप जो भी हेलमेट परचेस कर रहे हो, जैसा कि मैंने स्टील बर्ड का लिया था, इस पर भी मैं रिव्यू डाल चुका हूँ, तो अराउंड 2000 रुपीज़ का आया था, प्राइस रहे अपनी जगह। मेन चीज़ क्या, आपको जो भी हेलमेट चूज़ कर रहे हो आपके बजट के अकॉर्डिंग वो पैडिंग वाला होना चाहिए, जिसके अंदर से पैडिंग निकलती हो। अब उसकी क्या खास बात है, अब जैसे कि ये तो मैं नॉर्मल अपने ईयरफोन्स का बता रहा हूँ, अगर आप बोया का माइक या कौन सा भी प्रीमियम माइक रोड का माइक भी यूज़ कर रहे हो, कौन सा भी माइक, तो आपको ये जो वायर है ना नॉर्मल अपना हेडफोन जैक तो इसमें लग जाएगा, बट ये सारी वायर की इशू आती है। तो इसमें मैं यही बताना चाहूँगा, अगर आपको स्टार्ट करना है यहाँ पर आपको सबसे पहले पूरे हेडफोन जैक को लपेट लेना है, मेन अपन यहाँ से बोलेंगे तो इसको यहाँ पर लगा कर रखना है, और बाकी जो वायर है आप इसके अंदर डाल सकते हो पैडिंग को खोलकर। तो उससे क्या है कि बाकी जो बोया के माइक आते हैं बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं, तो इसको आप यहाँ पर लगाओगे तो विंड नॉइज भी वैसे 80-100 तक की स्पीड तक तो नहीं आएगा, ज़्यादा हाई स्पीड तो मैंने ट्राई नहीं करी, बट 80-100 तक तो आपकी ऑडियो बहुत ही फ्लुएंट रहने वाली है, विंड नॉइज नहीं आएगा। ऑलराइट गाइस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। पिछली वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में बताया था, बाइक भी चला कर दिखाई थी, बट उस वीडियो और इस वीडियो में मेन डिफरेंस है अपने चेन माउंट का, वहाँ मैंने मतलब अराउंड 800 का तो चेन माउंट ही था, दूसरी चीज़ सक्शन कैप मैंने 200 रुपये का मंगाया था तो 1000 रुपये यहाँ पर हो गए, मोबाइल होल्डर भी 100 रुपीज़ का मंगाना पड़ा था तो 1100-1200 रुपये हो गए थे, और उसमें भी फिर सक्शन कप में किसी का लग नहीं रहा था, बहुत से कमेंट्स ऐसे आए थे। ये अराउंड 800 रुपीज़ में आपको कंप्लीट सेटअप मिल जाता है, एंड ये सारी चीज़ें एक्शन प्रो की है, एक ही पैकेजिंग में आपको मिल जाएगी, सो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। एंड लगाने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगे हैं, हेलमेट में भी कोई इशू नहीं आया, बहुत से लोग एमसील से चिपकाते हैं तो उसमें फिर हेलमेट की ओरिजिनलिटी नहीं रहती। यहाँ पर आप देख सकते हो जब भी आपको काम है माउंट लगा कर रख लो या फिर उतार दो, एंड व्यू बहुत ही इससे बढ़िया आने वाला है। मैं अगर ऐसे हेलमेट को हिलाऊं तो आप देख सकते हो स्टेबिलिटी, बिल्कुल भी फ़ोन मेरा शेक नहीं हो रहा है, तो ये मुझे वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन लगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करा जाए। लिंक अगेन आपको किसी को भी परचेस करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो, पिछली वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, जिन्हें टेलीसिन या 2U का ही माउंट खरीदना है या पहले से परचेस कर चुका है तो वो वीडियो भी देख सकते हो। चैनल पर कोई भी नया हो तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, कुछ भी डाउट हो तो भेजिए कमेंट पूछ लेना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।